लिंक। नमस्कार, पीसीआई न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हम रोज एक नई समस्या के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं, पर आज की जो समस्या है वो कुछ ज्यादा ही गंभीर है। और वो हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे अपने प्रदेश के हैं, पर इस समय वो लोग दमम में सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। खाली फंसे ही नहीं हुए और उनके साथ बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी भी हो चुकी है वहां पे। मैं उन्हीं की जवानी आप लोगों को जो सुनाता हूँ और सरकार को चेताता हूँ कि उनकी समस्या का हल करें। ये करोड़ों रुपए का पैकेज तो ठीक है, पर पैकेज के साथ साथ ये जो समस्या हमारे सिर पे आन खड़ी हो रही है उनका भी हल करना सरकार का ही कर्तव्य है और सरकार ही उन चीजों को देखेगी। मोहम्मद रमजान जी, मैं हाँ इंडिया से बोल रहा हूँ, मैं पीसीआई न्यूज चैनल से हूँ। आप बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मैं यहाँ पर आया था अपने बेटे के पास विजिटिंग के अच्छा वीजा पर। तो हमें यहाँ से वापस जाना था 15 मार्च को। तो जी, 15 मार्च को जब कोरोना वायरस का मसला हो गया तो हमारा जहाज कैंसिल हो गया। हमें 16 तारीख को 4 बजे सुबह यहाँ से फ्लाइट थी, तो कोरोना की वजह से हमारा फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो हमें वापस टिकटें वापस मिल गई। तो उस टाइम से आज बैग में हमारा बदकिस्मती हो गई कि 25 अप्रैल को मेरे उस बेटे की, जिसके पास हम आए थे, उसका डेथ हो गई। आप अपने आप को संभालिए रमजान जी, आप अपने अपने आप को संभालिए। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आप जो प्रवासी मजदूरों को, बाकी लोगों को ला रहे हैं, ये समस्या इतनी बड़ी है। आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग पिता हैं जिनके बेटे की वहां पे हत्या हो चुकी, वहां पे मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से। तो इनको उनका जो है खुदे खाकी वहीं पे करना पड़ा, वो अपने वतन भी नहीं ला पाए। जी रमजान जी, मैं आप ही से सुनूंगा जी, बोलिए आप। तो भाई अब हैं पे दफन सबको, आप बाद में हमने उसको यही पर दफन किया जनाब। जी तो हम आप इधर उसका पेरेंट्स है, उसकी एक लड़की है। अब इधर से इधर उधर ठुक इधर से उधर ठुक रहे हैं। अब इधर उसका एक दोस्त है, उसने हमें अपने पास रखा है। बाकी हमारे पास इधर कोई भी चीज नहीं है। आपने वहां पे इंडियन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट किया कोई? हाँ, तो क्या जवाब आया आपको वहां से? कुछ भी नहीं, कहीं से भी कोई जवाब नहीं। इधर भी हमने किया था रजिस्ट्रेशन, उधर श्रीनगर से भी किया था रजिस्ट्रेशन। इधर हमने भाइयों ने निकाला था वो, हम कितने बंदे बन जाएंगे, हम जहाज ले जाएंगे, उसमें भी हम 120-130 आदमी आ गए थे। कहीं से भी कोई किसी किस्म की हरकत नहीं हो रही है। हम यहाँ पर भीख मांगने को आ गए हैं। यहाँ एक दोस्त है, उसका, हमारे बेटे का, उसके पास बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे रमजान जी कि हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएं, और सरकार कुछ ना कुछ इस पर जरूर करे। अगर पर्सनल लेवल पे हुआ तो हम आगे बात भी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिल्ली तक बात करूं, और जो भी संभव कोशिश हो सके वो हम करें। आप शुक्रिया। मुझे बताइए, आपको कितने, आप मतलब आपको आने के लिए किसी, मतलब अभी तक आपके पास किसी भी वहां पे, आप एम्बेसी से कोई बात हुई, एम्बेसी ने कुछ बोला आपको कि कैसे पहुंचाएंगे, क्या करेंगे? आप मेरी बात, आप जो उनके दोस्त हैं, आप उनसे करवा दीजिए मेरी बात। जी, गुड जी, इवनिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक शेख है और मैं यहाँ पे अली मोहम्मद साहब का, जो इसके फर्जंद थे, उसके लड़के थे, उसका दोस्त हूँ। जी यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया तो एम्बेसी वालों ने भी हमें कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 60,000 पीपल यहाँ पे इस टाइम फंसे हुए हैं, जिनमें विजिटिंग पेरेंट्स थे किन्हीं का, कुछ लोग ऐसे थे जो एग्जिट पे जा रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है। तो हमारे पास बहुत सारे आदमी है और हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे हम किन को पहले यहाँ से घर वापस लाएंगे। जिनमें से अभी तक 4-5 फ्लाइट चली गई है, लेकिन दिल्ली के लिए अभी तक कोई दमाम से फ्लाइट नहीं हुई। वो केरला के लिए जा रही थी और बहुत सारी और 2-4 डेस्टिनेशन पे जा रही है इंडिया में। अब उन्होंने कहा था कि हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे कि
कि इनकी बारी कब आएगी, लेकिन अभी तक इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पे जो जिस कंपनी में ये जॉब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो भी टिकट्स का खर्चा आएगा वो हम आपको दे देंगे, उसकी कोई ये उसका कोई इशू नहीं है, हम वो पे कर लेंगे। लेकिन इशू ये है कि कोई फ्लाइट या कब इनका ये, यानी कि यहाँ से इनको फ्लाइट्स मैनेज करेंगे जिसमें ये यहाँ से इंडिया के लिए रवाना होंगे, उसका कोई अभी यानी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात हुई है आपकी? जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई है, वहां पे डीसी साहब श्रीनगर से जो है उन डिविजनल कमिश्नर, उनको हमने इत्तला की है, उनको इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं अपने तरह से क्या इसमें वे आउट निकालेंगे, लेकिन अभी तक वहां से भी फीडबैक हमें नहीं मिला। तो अभी दिल्ली में किसी से बात हो पाई आपकी? नहीं हो पाया, सॉरी, रियाद एम्बेसी से हमें कांटेक्ट हुआ था, उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या हुआ है, क्या आपके साथ क्या इशू आया है, तो उन्होंने ही हमें कहा कि यहाँ पे उनको जो उन्होंने जो लिस्ट यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी, ऑलमोस्ट 60,000 पर्सन बन रहे हैं जिनको उनको इंडिया वापस ले जाना है, उसी में उन्होंने कहा कि हम वे की प्रायोरिटी बेसिस पे किन किन को हम यहाँ से सऊदी अरेबिया से इंडिया ले जाएंगे, तो मे भी वही वो प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन उसकी अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि वो उसका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंच गया। इनकी डेथ जो इनके बेटे की डेथ हुई है वो किस दिन हुई है? अच्छा, वो हुई थी 25 अप्रैल को सैटरडे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8:30 यहाँ सऊदी टाइम के इस टाइम पे। उनकी उनकी अपनी फैमिली कहाँ पे है? उनके बच्चे, उनकी बीवी? तो ये जो अली माहौल साहब है, इसकी मिसेज एमडी कर रही है मंगलोर अच्छा में, अच्छा उसका उसका लास्ट साल था इस टाइम, तो कोरोना की वजह से उसका भी एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, और इसके पेरेंट्स आए थे विजिटिंग वीजा पे विंटर के टाइम पे, उसकी बेटी भी यहाँ पे थी, वो है 8 साल की, वो रेजिडेंट अच्छा, है उनकी सऊदी अरब, छोटी बच्ची भी वहीं पे है अभी, बिल्कुल वो भी यहीं पे है और इनकी मदर भी यहीं पे हैं। जी, इनकी मदर भी यहीं पे है, वो यहाँ पे बैठी है यहाँ पे। तो इनके इनकी बीवी इनकी और जिनकी डेथ हुई है उनकी वाइफ के साथ आपका कांटेक्ट बना हुआ है? वो भी बेंगलोर में ही है जहाँ वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी हैं अभी? नहीं, वो भी मंगलोर में ही है, वो नहीं पहुंचे अभी कश्मीर, वो भी वहीं पे बैठी हुई है अभी, उसका इश्यू ये आ रहा है कि उनका किसी भी टाइम एग्जाम हो जाएगा, जिस वजह से वो अब रिस्क नहीं लेना चाहती है, उसका लास्ट ईयर है और उसके 3 पेपर्स देने थे, तो उसने कहा कि मैं अब यहाँ पे स्टे करूंगी क्योंकि कोरोना की वजह से क्या पता वापसी में उसको मंगलोर के लिए फ्लाइट मिल पाएगी या नहीं, तो उसने बेहतर समझा कि अब हम यहीं पे स्टे करेंगे मंगलोर में, एग्जाम देने के बाद वो श्रीनगर वापस आएगी। मोहम्मद रमजान जी, मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है, हम भी आपके बच्चों की तरह हैं, और मुझे सही बताऊं तो पूरी मतलब एक बहुत बड़ा दुख की बात है कि ऐसी घटना आपके साथ बाहर जाके हुई, और सबसे बड़ी दुख की घटना यह है कि हम अपने उस भाई को यहाँ इंडिया, अपने हम वतन, अपने जम्मू कश्मीर में नहीं ला पाए, हमें वहीं पे सारी जो भी रिचुअल्स थे वो वहीं पे करना पड़े, इस चीज से भी हमें दुख है। और मैं चाहूंगा कि आप हिम्मत बांधें, आप पाक रमजान का महीना है, ऊपर वाला आपको ताकत दे, आप ऊपर वाला आपको शक्ति दे, और मैं गवर्नमेंट से पूरी गुहार करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि सारी चीजों को आप देखते हुए इनको जितनी जल्दी हो सके प्रायोरिटी पे इंडिया लाने का इंतजाम किया जाए। मैं जरूर आपकी बात आगे तक पहुंचाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बात आगे तक पहुंचाऊं और हमारे थ्रू ये आपकी बात आगे तक जाए और सरकार इस चीज पे जताए, और मैं जी आला ऑफिसर से भी बात करूंगा, और हम दिल्ली में जो आला अधिकारी बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे, और आपकी मैं ये वीडियो भी वहां तक जरूर पहुंचाऊंगा, शुक्रिया, और मैं आपसे भी यही वो करूंगा कि आप हिम्मत रखिए, आप इस समय इतना बड़ा मुसीबत आप लोगों पे आन पड़ी है, आप खुद भी हिम्मत रखिए, उनकी मदर को भी हिम्मत दीजिए, छोटी बच्ची है उसको भी आप ही ने देखना है अभी, और उसके भी हिम्मत सर इधर बनाइए। फंस गए और हैं ना, मैं ना पीछे, ना जी कोई जी पीछे रास्ता है ना आगे रास्ता है,
क्या कह रहे हैं, इधर बैठे हुए हैं, बोर से हुए, इसने अपने ऊपर कोई बॉल लिया है, यही इसके पास खाना छाना वगैरह खाते हैं, इसने रखा है अपने पास, अगर ये भी नहीं होता तो हम भीख मांगने को आते, क्या नहीं कह नहीं रहे मैं हैं। इनका भी बहुत शुक्रगुजार करते हैं हम आपका भी आशिक जी बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और सही बात है कि दोस्ती वही है जो इस टाइम पे पता चलती है, और दोस्ती का मतलब ही यही है। तो हम इनका भी शुक्रगुजार करते हैं। आशिक जी मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका भी हम शुक्रगुजार करते हैं कि आपने इस समय पे अपने दोस्त के मदर फादर को संभाला हुआ है। बिल्कुल हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बिल्कुल बात आगे तक पहुंचाऊं। और आगे भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम बने तो आप मुझे बिना जैसे कभी भी फोन करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ कांटेक्ट करें, हम आपकी बात जरूर आगे तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।